जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक कर उनसे पार्टी के जीत के विषय में चर्चा की। जांजगीर के सर्किट हाउस में प्रत्याशियों से चर्चा के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार विधानसभा को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है और राज्य सरकार के काम को देखते हुए जीत सुनिश्चित बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के दावेदार बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आवेदनों में 5 नाम तय कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है और जिला कांग्रेस कमेटी नाम चयन कर प्रत्याशियों की सूची प्रदेश में भेजेंगे। जिन नामों पर चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रत्याशी का नाम भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस नाम को घोषित करेंगे उस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी कौन होगा उस पर अंतिम मुहर पार्टी की तरफ से लगाया जाएगा। जो भी आवेदन दिए हैं और 50 आवेदन एक विधानसभा में आए तो पूरे आवेदन ऊपर तक जाएंगे, ये चीज तय हो चुकी है। रही बात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को 5 नाम का पैनल देना है, बाकी वो अपने हिसाब से जो भी सिफारिश करे नाम सबके भेजे जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी 3 व्यक्ति का पैनल भेजेगी, 3 कैंडिडेट का, और इस प्रकार से आगे जाके बाकी चयन समिति और स्क्रीनिंग कमेटी में निर्णय होंगे और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो हमारी CEC है वो डिक्लेयर करती है। जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चांपा विधानसभा के बाद अकलतरा विधानसभा और पामगढ़ विधानसभा के दावेदारों से चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रत्याशियों की सूची शॉर्टलिस्ट कर उसे आगे भेजा जाएगा। जांजगीर से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।